Course Introduction to Computers and today's lecture we will learn about printers. Printer हमारे पास output device है. अब ये जो printer output produce करते हैं इसको हम hard copy का नाम देते हैं. तो hard copy ऐसे हमारे पास output है जिसको हम touch कर सकते हैं physically, इसको हम देख भी सकते हैं. अगर हमने कोई document print करना हो तो उसके लिए हम printer को use करते हैं. अब ये जो printable form है इसके अंदर हमारे पास characters भी हो सकते हैं, डिफरेंट सिंबल्स भी इनको भी प्रिंट कर सकते हैं और ग्राफिक्स या इमेजेस को भी हम प्रिंट कर सकते हैं. अब प्रिंटर जो है ये मोस्ट कॉमनली जो हमारे पास आउटपुट डिवाइस है जिसको हम यूज़ करते हैं ये हमारे पास प्रिंटर है. अब प्रिंटर को जब हम कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं तो जो पुराने प्रिंटर्स थे उनको हम पैरेलल पोर्ट के थ्रू कनेक्ट करते थे. कंप्यूटर के साथ हमारे पास डिफरेंट पोर्ट्स होती हैं जहाँ पर हम चीज़ों को अटैच कर सकते हैं. एग्जाम्पल है हमारे पास USB पोर्ट है, पैरेलल पोर्ट है, सीरियल पोर्ट है, इसी तरह हमारे पास जो है वो इथरनेट पोर्ट है. तो डिफरेंट तरह की पोर्ट्स होती हैं जहाँ पे हम अपनी डिवाइसेस को अटैच कर सकते हैं. तो जो पुराने प्रिंटर्स थे उनको अटैच करने के लिए पैरेलल पोर्ट को यूज़ करते थे. आजकल जो नए कंप्यूटर्स हैं इनको यूज़ करने के लिए USB पोर्ट को इस्तेमाल किया जाता है. ये जो कनेक्शन बनाते हैं ये हम यूजिंग केबल जो है वो इसको कनेक्ट कर सकते हैं. प्रिंटर है, प्रिंटर की हमारे पास डिफरेंट तरह की टाइप्स हैं. तो जो फर्स्ट टाइप है इसको हम कहते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर है. दूसरे हमारे पास कैटेगरी है इसको हम कहते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर. इम्पैक्ट प्रिंटर ऐसे प्रिंटर हैं जो हमारे पास स्ट्राइक के वर्किंग प्रिंसिपल पे काम करते हैं कि हमारे पास जो कोई ऐसी चीज़ होगी जो पेपर के ऊपर स्ट्राइक करेगी और इससे हमारा इमेज प्रोड्यूस होगा. अब इसके लिए अगर ये हमारे पास पेपर है तो पेपर के दरमियान के अंदर हम एक रिबन को यूज़ करते हैं. जैसे हमारे पास कार्बन पेपर है इसी तरह का पेपर होता है. इसकी जो बैक साइड है इसके ऊपर हमारे पास कोई ना कोई चीज़ स्ट्राइक होगी और इससे इमेज प्रोड्यूस होता है. जो सेकंड कैटेगरी है दैट इज़ अ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर. इसके अंदर कोई भी हमारे पास जो स्ट्राइक वाला प्रिंसिपल है ये यूज़ नहीं होता, बल्कि ये जो प्रिंटिंग है ये डायरेक्टली प्रिंटिंग होती है. इसके अंदर हमारे पास लेज़र प्रिंटर हैं, इंकजेट प्रिंटर हैं और इसी तरह थर्मल प्रिंटर्स हैं. जो इम्पैक्ट प्रिंटर हैं इसके अंदर जो है वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है. ये ऐसे ही होता है जैसे हमारे पास जो टाइप राइटर है, जो पुराने टाइप राइटर्स होते थे कि जिसके साथ मल्टीपल पिन्स होती थी, ये पिन्स जो हैं वो स्ट्राइक करती थी ऑन द पेपर और इससे हमारे पास जो इमेज है वो प्रोड्यूस हो जाता था. फिर हमारे पास है डेजी व्हील प्रिंटर. इसके अंदर हमारे पास जो है वो डिफरेंट तरह के जो हैं वो पेटल्स होंगे. ये पेटल्स के ऊपर, हर पेटल के ऊपर एक करेक्टर होगा और जब ये स्क्रीन से स्ट्राइक करेगा तो इससे हमारे पास जो है वो इमेज प्रोड्यूस होगा. मेन के हमारे एक साइड के ऊपर पेपर है, पेपर के अंदर जो है वो हमने कार्बन रिबन को यूज़ किया हुआ है साथ, और जो ही इसके बैक पे हैमर इसको स्ट्राइक करेगा तो ये यहाँ पे जो भी करेक्टर लिखा हुआ है ये हमारे कागज़ के ऊपर प्रिंट हो जाएगा. इसी तरह हमारे पास जो है वो लाइन प्रिंटर हैं. लाइन प्रिंटर के अंदर हमारे पास जो है वो चेन प्रिंटर हैं और दूसरा हमारे पास ड्रम प्रिंटर है. तो इनको हम इन डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन जो डिफरेंस मेजर ये है, इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर कोई चीज़ स्ट्राइक करेगी और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर कोई भी चीज़ हमारे पेपर से स्ट्राइक नहीं करती है. अब इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर हमारे पास जो है ये आउटपुट ऐसे प्रोड्यूस करते हैं कि हमारे पास कोई ना कोई चीज़ पेपर के साथ वो है स्ट्राइक होती है. अब स्ट्राइक के लिए हम कहते हैं कि ये हमारे पास प्रिंट हैमर्स हैं, इनके थ्रू हमारे पास पेज के ऊपर जो है वो कोई चीज़ स्ट्राइक करेगी, या इसकी जगह हमारे पास जो है वो पिन्स होंगी. ये पिन्स भी जो ही हमारे पास ये पेपर है, पेपर के ऊपर हमारे पास एक रिबन होगा और जब इसके ऊपर पिन स्ट्राइक करती हैं तो इससे हमारे पास जो है वो डॉट्स प्रोड्यूस होते हैं. तो दो तरीक़ों से हो सकता है, या तो हैमर से प्रिंटिंग होगी या हमारे पास पिन्स होंगी जिनके थ्रू प्रिंटिंग होगी. लेकिन इसके साथ एक चीज़ कॉमन है कि इसके अंदर जो है वो इंक रिबन यूज़ होगा. इंक रिबन का पर्पज़ ये होता है कि इसके ऊपर हमारे पास इंक होती है, ये इंक जो है ये हमारे कागज़ के ऊपर प्रिंट बनाती है. अब ये जो इम्पैक्ट प्रिंटर हैं इसकी जो एग्जाम्पल है, जो हमारे पास पुराने मैनुअल प्रिंटर होते थे, टाइपराइटर्स होते थे जिसके थ्रू हम अपनी प्रिंटिंग परफॉर्म कर सकते हैं. ये जो हमारे पास इम्पैक्ट प्रिंटर हैं इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रो मैकेनिकल हैं. मैकेनिकल से ये मुराद है कि कोई चीज़ इसके अंदर स्ट्राइक करेगी, और इलेक्ट्रो से ये मुराद है कि इसको जो हम ऑपरेट करते हैं थ्रू इलेक्ट्रिकल पावर करते हैं. अब इसके थ्रू हम करेक्टर्स को और ग्राफिक्स को दोनों चीज़ों को पेपर के ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं या प्रिंट कर सकते हैं. लेकिन ये टेक्नोलॉजी है ये स्लोअर है. स्लोअर इसलिए है कि इसके अंदर हमें कोई चीज़ स्ट्राइक करनी पड़ती है, इसलिए इसकी जो प्रिंटिंग स्पीड है ये कम होती है. इसी तरह चूँकि हमने किसी चीज़ को पेपर के ऊपर रिबन के अगेंस्ट स्ट्राइक करना है तो इसकी जो क्वालिटी है ये भी लो होती है. तो इन जनरल अभी तक हमने जो देखा है ये देखा है कि इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर कोई चीज़ स्ट्राइक करेगी और इससे आउटपुट जो है वो प्रोड्यूस होती है.
अब जो कॉमन चीज़ ये है कि इसके अंदर इंक रिबन होगा और ये ऐसे ही काम करता है जैसे पुराने टाइपराइटर काम करते थे। इसके साथ जो हमारे पास प्रिंट है ये करेक्टर्स की फॉर्म या ग्राफिक्स फॉर्म के अंदर हम ले सकते हैं, लेकिन इसकी जो स्पीड है ये कम होती है और इसकी जो क्वालिटी है वो भी ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। अब इसकी जो प्रिंटिंग स्पीड है इसको हम कैसे मेजर करते हैं, तो इसके लिए हम कहते हैं कि कितने करेक्टर्स या लाइंस एक मिनट के अंदर इसने प्रिंट किए हैं। अब जहाँ पे हमारे पास इम्पैक्ट प्रिंटर होंगे वहाँ पे चूँकि किसी चीज़ ने स्ट्राइक करना है, या तो हैमर ने स्ट्राइक करना है या पिन ने स्ट्राइक करना है, तो इस केस के अंदर नॉइज प्रोड्यूस होगा। तो ये जब काम करते हैं तो उसके दौरान नॉइज को प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन ये टेक्नोलॉजी है ये लेस एक्सपेंसिव है, मीन सस्ती ये है कि ये चीपर है देन द नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स, कि इनकी जो कॉस्ट है वो कम होती है। आजकल इन कंप्यूटर को जनरली यूज़ नहीं किया जाता क्योंकि जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं उन्होंने इन प्रिंटर्स को रिप्लेस कर दिया गया है। इसकी जो एग्जांपल हैं हम कहते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है और डेजी व्हील प्रिंटर है या लाइन प्रिंटर, ऐसे प्रिंटर्स हैं जो इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं। अब ऐसे प्रिंटर्स जो एक टाइम पे एक पूरे करेक्टर को प्रिंट करते हैं उनको हम करेक्टर प्रिंटर्स का नाम देते हैं। अब इसमें जो हार्ड कॉपी होगी उसमें एक टाइम के ऊपर एक पूरे करेक्टर्स को प्रिंट किया जाएगा। जब ये नए नए कंप्यूटर आए थे तब इनका जो यूज़ है कंप्यूटर के साथ बहुत ज़्यादा था, लेकिन आजकल इसको नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स ने रिप्लेस कर दिया है। अब इस कैटेगरी के अंदर जो फर्स्ट प्रिंटर है दैट इज़ अ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है ये हमें नॉर्मल टाइपराइटर की तरह नज़र आता है कि इसके अंदर हमारे पास जो है वो डिफरेंट तरह की पिंस होती हैं। ये पिंस जो हैं ये इसमें एक इंक रिबन यूज़ होता है और इस पे जब स्ट्राइक करती हैं तो इससे हमारे पास जो है वो इमेज प्रोड्यूस होता है। इसकी जो जनरल स्पीड मेजर की जाती है कि एक सेकंड के अंदर कितने करेक्टर्स को प्रिंट कर सकते हैं, तो इसकी जो नॉर्मल स्पीड है दैट इज़ फ्रॉम 300 टू 1100 करेक्टर्स पर सेकंड इसकी स्पीड है। इसमें वर्किंग प्रिंसिपल वही है कि ये जो हमारे पास स्मॉल नंबर ऑफ पिंस होती हैं ये पिन स्ट्राइक करती हैं और इससे हमारे पास इमेज प्रोड्यूस होता है। इसके अंदर जो नंबर ऑफ पिंस हैं ये वेरी कर सकती हैं कि 9 हो सकती हैं, 18 हो सकती हैं या 24 नंबर ऑफ पिंस हमारे पास हो सकती हैं। सेम प्रिंसिपल है कि रिबन पे जब पिन स्ट्राइक करेगी तो उससे डॉट प्रोड्यूस होंगे और कोई भी करेक्टर या जो इमेज है वो डॉट से मिलके बनेगा। और इसकी जो रेजोल्यूशन है जनरल हम ये कहते हैं कि इसको हम मेजर करने के लिए हम डॉट्स पर इंच को यूज़ करते हैं। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ़ डॉट्स होंगे उतना ज़्यादा हमारा जो प्रिंट क्वालिटी है वो बेहतर होगी। तो जनरली जो इसकी रेंज है फ्रॉम 100 टू 300 डॉट्स पर इंच जो इसकी हम कहते हैं कि क्वालिटी है, तो जितने ज़्यादा डॉट्स होंगे उतनी हमारी जो आउटपुट प्रिंट होगा उसकी क्वालिटी बेहतर होगी। इसकी जो कीमत है ये लेस है, इसी तरह ये जो हैं प्रिंटर हैं ये नॉइज़ प्रोड्यूस करते हैं और जनरली आजकल इन प्रिंटर्स को यूज़ नहीं किया जाता। हम ये कह सकते हैं कि जो नॉर्मल हमारे टाइपराइटर थे उनको रिप्लेस कर दिया गया था विद अ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर ताकि कंप्यूटर के साथ इस प्रिंटर को हम यूज़ कर सकें, लेकिन विद पैसेज ऑफ टाइम चूँकि टेक्नोलॉजी ने प्रोग्रेस की तो आजकल ये प्रिंटर इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं। इस कैटेगरी के अंदर जो दूसरा प्रिंटर है दैट इज़ अ डेजी व्हील प्रिंटर। डेजी व्हील प्रिंटर के अंदर हमारे पास एक व्हील होगा जिसके साथ जो है वो डिफरेंट हमारे पास आर्म्स होंगे, आर्म्स को हम पेटल्स का नाम देते हैं। अब इन पेटल्स के ऊपर डिफरेंट करेक्टर्स जो हैं ये प्रिंट होते हैं। जो ही हमने कोई चीज़ प्रिंट करनी होती है तो इसके दरमियान के अंदर जो है वो इंक रिबन आ जाता है और हमारे पेज के ऊपर, यहाँ पे अगर हमारा पेज है तो पेज के ऊपर जो ही ये स्ट्राइक करते हैं तो इससे हमारे पास जो है वो आउटपुट प्रोड्यूस हो जाती है। इस व्हील को हम डेजी व्हील का नाम देते हैं और हर जो आर्म है इसको हम पेटल कहते हैं। पेटल के ऊपर जो करेक्टर्स हैं ये प्रिंट होते हैं। एक मोटर होती है जो इस पूरे व्हील को रोटेट करती है। जब डिज़ायर हमारा करेक्टर सामने आता है तो पीछे एक हमारे पास हैमर होता है, हैमर स्ट्राइक करता है ऑन द पेटल और इससे जो है वो रिबन पे जो इंक होती है वो कागज़ पे लग जाती है। इसकी जो प्रिंटिंग हमारे पास स्पीड है ये 10 से लेके 100 करेक्टर पर सेकेंड है और ये हमारे पास जो प्रिंटर हैं ये स्लो हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की नस्बत, कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के अंदर चूँकि पिंस यूज़ होती हैं उनकी स्पीड ज़्यादा होती है और इसके अंदर हम एक व्हील यूज़ करते हैं जिसके ऊपर सारे करेक्टर्स जो हैं वो प्रिंट होते हैं। लेकिन इसकी चूँकि पूरा करेक्टर एक टाइम के ऊपर प्रिंट होता है इसलिए इसकी क्वालिटी जो है वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की नस्बत ज़्यादा होती है। जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है उसमें हर जो हमारा करेक्टर है
या इमेज है वो डॉट से मिलके बनता है, जबकि इस केस के अंदर हम देख सकते हैं कि पूरा करेक्टर जो है वो एट वंस अपीयर होता है, इसलिए इसकी क्वालिटी बेहतर होती है। इसमें जो थर्ड प्रिंटर है दैट इज़ अ लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर हम कहते हैं ये बड़ा फास्ट प्रिंटर है क्योंकि एक टाइम के ऊपर एक पूरी लाइन को प्रिंट करेगा, कंप्लीट लाइन को एट वंस प्रिंट कर देगा। इसकी जो स्पीड है इसको मेजर करने के लिए हम कहते हैं कितनी नंबर ऑफ लाइन जो है वो पर मिनट के अंदर इसने प्रिंट की है। तो जनरल जो इसकी स्पीड है दैट इज़ अ 3000 लाइन्स पर मिनट है। और इसके दो वेरिएंट्स आते हैं, फर्स्ट को हम कहते हैं चेन प्रिंटर है और दूसरा हमारे पास ड्रम प्रिंटर है। चेन प्रिंटर के अंदर एक हमारे पास ये हमें चेन नज़र आ रही है, अब चेन के साथ जो है वो हम प्रिंटिंग को परफॉर्म करते हैं कि इसमें जितने भी करेक्टर्स होंगे ये चेन के ऊपर होंगे और ये रैप अराउंड होती है दो पुलिस के दरमियान, के दो पुलिस यूज़ होती हैं जो इसको रोटेशन करने के लिए यूज़ होती हैं। इस चेन के ऊपर जो है वो डिफरेंट करेक्टर्स प्रिंट होते हैं। अब जब हमने डिज़ायर्ड करेक्टर को प्रिंट करना है तो एक साइड से हैमर स्ट्राइक करेगा, दूसरी साइड के ऊपर हमारा जो है वो पेपर होता है, और इस स्ट्राइक के प्रिंसिपल से हमारे पास आउटपुट प्रोड्यूस हो जाती है। इसमें हमारा जो पेज है इसको मूव करना पड़ता है ताकि हमारी जो नेक्स्ट लाइन है वो प्रिंट हो सके। अब इसकी जो प्रिंटिंग स्पीड है दैट इज़ फ्रॉम 300 to 2500 लाइन्स पर मिनट है। इसका जो दूसरा वेरिएंट है दैट इज़ अ ड्रम प्रिंटर। ड्रम प्रिंटर के अंदर जो है वो एक सिलेंडर यूज़ होता है, सिलेंडर के ऊपर सारे के सारे जो करेक्टर्स हैं ये प्रिंट होते हैं, और ये एक बार नहीं बल्कि मल्टीपल टाइम्स जो हैं वो करेक्टर्स प्रिंट होते हैं। जब ये पूरा सिलेंडर एक दफ़ा रोटेट करता है तो इससे एक कंप्लीट लाइन जो है ये प्रिंट होती है। तो इसके अंदर सॉलिड सिलेंडर है जिसके ऊपर जो है वो सारे करेक्टर्स जो हैं वो ऑलरेडी इसके ऊपर होते हैं। जो ही ये रोटेट करते हैं दरमियान के अंदर रिबन होता है जो हमने करेक्टर्स को प्रिंट करना चाहते हैं, तो वो करेक्टर्स जो हैं वो इंक रिबन के थ्रू कागज़ के ऊपर प्रिंट हो जाते हैं। एक पूरी रोटेशन से हमारी एक जो लाइन है वो प्रिंट होती है। इसकी जो जनरल स्पीड है हम कहते हैं कि 300 से लेके 2500 हमारे पास लाइन पर मिनट के अंदर इसकी स्पीड को हम मेजर करते हैं। तो ये जो दोनों टेक्नोलॉजीज़ हैं जिसके अंदर हमारे पास एक ड्रम है और चेन प्रिंटर है, ये दोनों जो हैं वो एक पूरी लाइन को एक टाइम के ऊपर प्रिंट करते हैं। यहाँ तक हमारे पास थे ये जो तीन प्रिंटर हमने भी पढ़े हैं कि फर्स्ट हमारे पास जो है वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, इसी तरह सेकंड डेजी व्हील प्रिंटर है, और थर्ड हमारे पास लाइन प्रिंटर है। ये तीनों इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं। इसके बाद जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे वो हम नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स को पढ़ेंगे।